नमस्कार, आप सभी को पाल मिश्री ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कैसे आप एक सफल व्यापारी बनेंगे और कैसे एक बिजनेसमैन कैसे एक आपको बिजनेस करने की कला को सिखाती है, अधिक धन कमाना। कहते हैं ना कि अगर जीवन में आपने तरक्की पाना है और जीवन में आपने यश और नाम की प्रसिद्धि पाना है तो हाथ में वो कौन सा चिन्ह होता है जो आपको एक शिखर की तरफ लेके जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब से नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ के तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के एक एक घटनाक्रम के बारे में बताती है। इसी प्रकार से निम्न मंगल से चलकर उच्च मंगल की तरफ जाने वाली रेखा को हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं, विचारों की रेखा कहते हैं। और इसी प्रकार ये बुध के क्षेत्र से गुरु के पर्वत के क्षेत्र की तरफ जाने वाली रेखा को हम हृदय रेखा कहते हैं, जिसको कि हम प्रेम की रेखा कहते हैं। सबसे पहले जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं, प्रोफेशनल की बात करते हैं, अपने करियर की तरक्की की बात करते हैं, हम अपनी भाग रेखा को देखते हैं। एक सफल भाग रेखा एक आपकी सफलता की कुंजी है। ये आपको हर बिजनेस में हर कार्यशैली को दर्शाती है कि हमारा प्रोफेशनल कैसा होगा, हम जीवन में तरक्की करेंगे कि नहीं करेंगे, वो हमारी भाग रेखा बताती है। और जीवन में नाम यश की प्राप्ति करेंगे वो हमारी सूर्य रेखा बताती है। और इसी तरह से अगर हम बिजनेस में अच्छा काम करते हैं और उस बिजनेस को अच्छा करके एक शिखर की तरफ पहुंचते हैं, जिसको कि कहते हैं कि हम एक बड़े व्यापारी बनेंगे, तो हमारी बुध की रेखा बताती है। सबसे पहले हाथ में ये बुध का जो पर्वत है, ये बुध का पर्वत है, इसको हम बुध का पर्वत बोलते हैं। बुध का पर्वत समान रूप से उठा होना चाहिए और उसके ऊपर ये छोटी छोटी रेखाएं हो, एक बड़ी रेखाएं, इसको हम व्यापार रेखा बोलते हैं, स्वास्थ्य की रेखा बोलते हैं। अगर ये रेखा आपके हाथ में है तो प्रॉपर होना चाहिए, टूटी फूटी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपके डाइजेशन सिस्टम को वीक करती है, आपके लीवर में प्रॉब्लम डालती है। लेकिन अगर ये रेखा है और प्रॉपर है और इसी के साथ ये छोटी मोटी रेखाएं आपके बिजनेस सेंस को ये बढ़ा रही है, आपके बोलने की कला को सिखा रही है। कई बार क्या होता है, अगर ये रेखाओं का सपोर्ट मिलता है तो एक बिजनेस के साथ एक बिजनेस का और होने का इशारा करती है। और ये जो बुध की हमारी फिंगर है, सन के पहले पोर से बड़ी होनी चाहिए। अगर सन के पहले पोर से बड़ी है तो आपकी बोलने की जो कला है ना, वो मास्टर माइंड बनाती है। हस्तरेखा में ये सिर्फ एक ऐसी फिंगर है, कितनी भी बड़ी हो जाए आपको हमेशा तरक्की की तरफ लेके जाती है, आपके व्यवसाय करने की कला को सिखाती है। आप कैसे बिजनेस करेंगे हमारी ये बोली वाणी बताती है, हमारी बुध की रेखा बताती है। और इसी प्रकार से ये बिजनेस कैसे करेंगे और किस तरह का करेंगे, ये हमारी बिजनेस रेखा ही बताती है। और कहते हैं ना कि कई बार ये बिजनेस की रेखा के साथ किस चीज का संबंध बना रही है। अब ये बिजनेस ये बुध के पर्वत से अगर ये सूर्य के पर्वत की तरफ जाती है, सूर्य जिस चीज का मान सम्मान का है और सरकार के क्षेत्र में जोड़ के रख देता है, ऐसे लोग सरकारी नौकरी के साथ भी एक व्यवसाय करने की कला रखते हैं, मास्टरमाइंड होते हैं ऐसे लोग, और जीवन में तरक्की पाते हैं, सम्मान पाते हैं। और इसी प्रकार से इसी बुध के क्षेत्र से एक शनि के पर्वत की तरफ एक रेखा पहुंचने का, ऐसे लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, तेल का व्यवसाय करते हैं या लोहे का व्यापार करते हैं, ऐसे लोग विशेष सफलता पाते हैं और ये कुछ व्यापारी बनते हैं। इसी प्रकार से
इसी बुद्ध के शेष से ये गुरु के पर्वत के ऊपर, इसको हम गुरु का पर्वत बोलते हैं, गुरु का पर्वत। गुरु का पर्वत जैसे कि कहते हैं एक मान सम्मान का ग्रह होता है, ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, ऐसे लोग कॉलेज खुलवाते हैं, स्कूल खुलवाते हैं, यूनिवर्सिटी खुलवाते हैं, इंट्यूशन से इनको बहुत बेनिफिट मिलता है। अगर इसका कनेक्शन बुद्ध का गुरु का हो जाए तो जीवन में इन क्षेत्र से जुड़े, एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े बड़े पद, बड़े पैसे कमाते हैं। और इसी प्रकार से बुद्ध का ये शुक्र का पर्वत है, ये शुक्र का पर्वत है, शुक्र का पर्वत कहते ना लग्जरियस का मालिक होता है, भौतिक चीजों का सुख देने वाला ग्रह होता है। और ये पानी पीने से लेकर आराम की जितनी भी चीजें हैं ना, वो सारी शुक्र के अंतर्गत आती हैं। आपको गाड़ी का सुख, मकान का सुख, अपनी पार्टनर लाइफ का सपोर्ट का सुख, सारी चीजों का सुख ही हमारा शुक्र बताता है। हम आज जो भौतिक चीजें बरत रहे हैं, जिसका हम लाइफ में प्रयोग कर रहे हैं, उस चीजों का आनंद देना शुक्र का काम है। और ये व्यवसाय अगर यही शुक्र के पर्वत से एक बुध के पर्वत पर जाती है, ऐसे लोग होटल मैनेजमेंट, कपड़े का व्यापार, और जैसे कि कहते हैं कि हम ब्यूटीशियन का काम करके एक सफल व्यापारी, एक कारोबारी बन सकते हैं। और इसी प्रकार से इसी बुध का संबंध ये चंद्रमा के क्षेत्र पर आ जाए, इसको हम चंद्रमा का पर्वत बोलते हैं, चंद्रमा का पर्वत। जैसे कि कहते हैं ना चंद्रमा मन का कारक होता है, हमारा मन कितना खुश है, हम एक मिनट में खुश होते हैं तो एक मिनट में हम निराश भी हो जाते हैं, वो हमारा चंद्रमा बताता है। हम व्यवसाय कैसे करेंगे, हमारा मन स्थिर होगा, हम किसी चीज को करने की कला रखते हैं। अगर हमारा मन खुश है तभी हम हर व्यवसाय को करने की कला रखते हैं। इसी प्रकार के अगर आपका बुध के साथ कनेक्टिव चंद्रमा के साथ होता है, ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। कहते हैं ना कि आने वाले समय की घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है, मन है ना, मन की एक्टिविटी को समझा देता है। और अब हम जीवन में कब तरक्की करेंगे, कब ये हमारा व्यवसाय चमकेगा, वो हमारी जीवन रेखा बताती है। कहते हैं ना जीवन की हर घटना हमारी जीवन रेखा पर ही अंकित होती है। जब भी हम अपने तरक्की की बात करेंगे, जब हम अपने व्यवसाय में आगे बढ़ने की बात करेंगे, हमारी इस जीवन रेखा से ऊर्ध्वमुखी रेखाएं हमारे जीवन की एक निरंतर प्रयास की तरफ बताती हैं। ये ऊर्ध्वमुखी रेखाएं हमेशा आपको स्थिरता देती हैं, एक जगह पे संयम बना के रखती हैं, आपको नीचे नहीं गिरने देती है, आपको तरक्की दिलाती है। अगर इस एज पर अगर हम इसकी एज को जोड़ते हैं, ये 35 ईयर बनता है, और 35 की एज पे, यहां पे अगर 35 एज हम यहां पे लेते हैं, 35 की एज पे हमारी भाग रेखा सफल है, हम जीवन में तरक्की करेंगे, जीवन में एक ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे और एक अच्छे और एक सफल व्यापारी बनेंगे। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।